बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आई हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लेकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए चले अपनी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो भाई व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले जो है फिज़ा अली ने अपने चैनल पर एक डिटॉक्स मास्क की जो है वीडियो अपलोड करी थी और काफ़ी लोगों ने जो है उस पर वीडियो वगैरह बनाई थी। ठीक है, तो उनकी वीडियो मैंने भी देखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ और देखती हूँ कि क्या मेरी स्किन पर भी क्या ये मास्क जो है असर करता है या नहीं करता। और इस मास्क के बारे में जो है मैंने बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसकी तारीफ सुनी है कि ये जो है स्किन को जो है ब्राइट करता है, स्किन को जो है ग्लोइंग लाता है, वाइटनिंग इफेक्ट जो है ये आपकी स्किन को देता है। और इसके बावजूद ये जो है टाइटनिंग का जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। जो 30 से प्लस सर ये होता है कि स्किन जो है लूज़ होने लगती है और हमारी स्किन जो है टाइट नहीं रहती है, तो ये मास्क जो है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो आइए चलिए रेमेडी को जो है स्टार्ट करते हैं। मैं भी आज चेक करूँगी कि वाकई क्या ये मास्क जो है वर्क करता है और जितनी इसकी तारीफ सुनी है ये काम भी करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो है चार चीज़ें जो है हमें चाहिए थी। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें चावल का जो है आटा पहले जो है शॉप से जो है पिसा हुआ ले लिया था। ठीक है, आप चावल का आटा बोल के किसी भी शॉप से जो है आप लोग जाके ले सकते हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पे जो है भर के चावल का जो है आटा ले लिया था। उसके अलावा यहाँ जो है मेरे पास जो है दही रखी हुई थी और दही जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ दही का ले लिया था। ठीक है, फ्रेश दही जो है ये आप लोगों को ले लिए। ठीक है, और यहाँ जो है लेमन रखे हुए थे, हाफ जो है मुझे लेमन चाहिए था, तो यहाँ जो है मैंने लेमन को जो है कट करके हाफ लेमन जो है मैंने इसमें ऐड करना था। और इसके बाद जो है यहाँ पे एग था और एग की जो है हमें सिर्फ जो है जर्दी जिसे कहते हैं वो चाहिए थी। ठीक है, और सफ़ेदी जो है हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं कर ली, तो बहुत ही ख्याल से, और अगर चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है इस तरीके से मैंने जो है इसकी जर्दी जो है अलग कर ली थी और इसमें जो है जर्दी को मैंने ऐड कर लिया था। ठीक है, इसी रेमेडी से जो है आप लोगों को ये रेमेडी बना ली है, इसी तरकीब से जो है ये रेमेडी आपको बना ली है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपने खूब अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स करना है। ठीक है, करते जाए मिक्स अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट जो है आप इसको देखिएगा कि सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और देखें किस तरीके से जो है मैं यहाँ जो है मास्क को जो है मिक्स कर रही थी। अब यहाँ जो है मैंने मिक्स कर लिया था, उसके बाद जो है यहाँ मुझे लगाना था। ठीक है, अब जो है आप किसी भी ब्रश की हेल्प से या हाथ से भी चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है मैंने ब्रश ले लिया था क्योंकि मेरे पास ब्रश था, तो ब्रश की हेल्प से जो है मैं इस मास्क को अप्लाई करूँगी। ठीक है, और अच्छे तरीके से जो है इस मास्क को अप्लाई करेंगे और ये जो है आपकी स्किन को, मैंने जहाँ तक सुना कि स्किन को जो है टाइट करेगा, और ये मास्क लगा के जो है आप लोगों ने बिल्कुल भी बोलना नहीं है। इसकी जो है 2 एप्लीकेशन जो है होती है, एक एप्लीकेशन होने के बाद, पहले एप्लीकेशन के बाद जो है आप लोगों को थोड़ा ड्राई करना होता है, उसके बाद जो है फिर इसी पे जो है दूसरी एप्लीकेशन जो है आप लोगों ने करनी होती है। तो यहाँ जो है मैं मास्क लगा रही थी और आप लोग देख सकते हैं कि मास्क जो है कितने अच्छे, बहुत ही स्मूथ था। और इससे पहले भी मैंने ये मास्क जो है पहले ट्राई करा था, मैंने यही सोचा कि अगर वाकई ये मास्क जो है वर्क करेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक दिन पहले जो है मैंने इस मास्क को जो है अप्लाई किया था ताकि मैं देख सकूँगी कि वाकई ये वर्क करता है या नहीं, तो इससे मुझे वाकई काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो है दिए थे। तो मैंने सोचा अब जो है आप लोगों के साथ जो है इसको शेयर करूँ। ठीक है, वीडियो जो है यहाँ मैंने लगा दी है, जो मैंने एक दिन पहले जो है इसका मतलब चेक किया था कि ये वाकई मास्क जो है काम करता है या नहीं करता। अब यहाँ जो है मुझे मास्क जो है थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया था, तो यहाँ जो है मैंने दूसरी एप्लीकेशन जो है इसकी कर दी थी। ठीक है, दूसरी बार जो है यहाँ मैं मास्क को अप्लाई कर रही हूँ और वाकई ही मुझे जो मतलब फील हो रहा था, स्किन जो है बहुत ज़्यादा मतलब टाइट हो रही थी और ये टाइटनिंग का जो है ज़्यादा काम वर्क कर रहा था। ठीक है, कि मतलब जिसकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा जो है लूज़ हो जाती है और स्किन की जो है केयर नहीं करते, जिसकी वजह से स्किन लूज़ हो जाती है। और यकीन करें, जब मैंने ये मास्क अप्लाई किया था तो उसके बाद मेरी स्किन इतनी टाइट हो गई थी, जिनकी स्किन पे रिंकल्स वगैरह आ जाता है बहुत ज़्यादा, वो लोग
जो है ज़रूर इसको अप्लाई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये रेमेडी है। वाकई इस रेमेडी ने जो है वर्क किया था। ये मैं एक दिन पहले के जो है रिव्यू आप लोगों को बता रही हूँ जो मैंने चेक किया था, लेकिन वाकई इसने मेरी स्किन पे जो है वाकई ही वर्क किया था। स्किन को ब्राइट कर दिया था, स्किन को जो है टाइट कर दिया था। बहुत अच्छे जो है इसके रिज़ल्ट है। आप लोग जो है ज़रूर इस मास्क को जो है अप्लाई करिएगा। तो यहाँ जो है मैं दूसरी एप्लीकेशन जो है अपने फेस पर कर रही थी, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ जो है मास्क जो है अब जो है ड्राई हो गया था। अब जो है हमने इसका जो है हल्के हाथों से जो है मसाज करना है, ठीक है। यहाँ जो है पानी और स्पंज जो है वो मैंने ले लिए थे, और अब जो है हमने जिस तरह जो है हम लोग मसाज करते हैं नॉर्मली मसाज, हमने जो है इसका मसाज करना है, ठीक है। और अपर डायरेक्शन की तरफ जो है हमने सारे मसाज करने होते हैं, सही है, जैसे हम लोग फेशियल में कर रहे होते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मसाज वगैरह जो है मैं अपनी स्किन के अंडर आइज़ के करीब जो है कर रही थी, क्योंकि ज़्यादातर रिंकल्स वगैरह जो है अंडर आइज़ के करीब जो है पड़ने लगते हैं। और यहाँ जो है आप लोग देख सकते हैं फेस जो है मैं वॉश करके आ गई थी, और इस वक्त जो है मैंने अपनी स्किन पर कुछ भी जो है अप्लाई नहीं किया था। सिंपल कैमरा फिल्टर भी यहाँ मैंने यूज़ नहीं करा आप लोगों को इसके रिज़ल्ट दिखाने के लिए। और रिज़ल्ट जो है वाकई इसके बहुत अच्छे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त, और टाइटनिंग का जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है काम करता है, और स्किन जो इतनी स्मूथ हो गई थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत मेहनत से जो है मैंने ये वीडियो बनाई थी, और वाकई ही इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये मास्क जो है ज़रूर अप्लाई करें, और हफ्ते में जो है दो दफ़ा आप इस मास्क को अप्लाई करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का जो है बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को जो है दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।